जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कुछ लोग कहते हैं कि यदि श्री राधा जी श्री भगवान की हलादिनी शक्ति या आदि शक्ति हैं तो श्री रुक्मिणी जी कौन हैं और श्री सीता जी कौन सी शक्ति थी। श्री राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। अगर आदि शक्ति थी तो ये भगवान के साथ क्यों नहीं रहीं? लौकिक रीति से इनसे विवाह होना चाहिए था। परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी कहते हैं कि परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में मैं कोई भेद नहीं मानता। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी श्री रुक्मिणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंदमय दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी हलादिनी शक्ति साथ रहती ही है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से ब्रह्म वैवत पुराण में कहा है, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। प्रिय भाई बहनों, भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी हलादिनी शक्ति के निमित्त से ही है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुटित करने के लिए अथवा उसका नवीन रूपों में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण हैं और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी हैं। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विछोह कभी संभव ही नहीं। न श्री राधा के बिना कभी श्री कृष्ण रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन हैं। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से श्री राधा रानी महाभाव रूपा हैं और वह नित्य निरंतर आनंद रस सार रसराज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रांग अविचिंत्य शक्ति आत्माराम गणाकर्षी प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती हैं। इस हलादिनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी सहेली सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य आनंदमय नित्य तृप्त नित्य एकरस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेमाश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही पर ब्रह्म में दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उस पूर्ण काम में कामना नित्य तृप्ति में अतृप्ति क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुखेच्छा कामना अतृप्ति क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है। इस मर्त्य जगत की मायामयी वस्तु नहीं है क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न हैं।
श्री भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। यही बात भगवान श्री राम और मिथिलेश कुमारी श्री सीता जी, भगवान श्री महाविष्णु और जगत जननी महालक्ष्मी, भगवान श्री शंकर और महामाया श्री गौरी देवी के विषय में समझनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और माता श्री रुक्मिणी के लिए भी यही बात है। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, तो इस विषय में इस रूप में इनका लौकिक विवाह कैसा? प्रिय भाई बहनों, वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण व्रज का परित्याग कर मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना में नहीं आती और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दिव्य चिन्मय प्रेम रससार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी सम्पन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महान भाव को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम प्रकट रूप में नहीं आया है, यह सत्य है, परंतु है उसमें इसी प्रकार छुपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रससार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ श्री राधा नहीं हैं, यह कहना ही नहीं बनता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने कहा है, जो नराधम हम दोनों में अर्थात श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके पहले के साथ और पीछे के साथ पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोट जन्मार्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करता है, वह पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगता है। प्रिय भाई बहनों, कुछ अज्ञानी लोग भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के विशुद्ध प्रेम पर भी तर्क करते हैं। उन सभी को रास पंचाध्यायी का यह श्लोकार्थ स्मरण करना चाहिए। रे मे रमेशो व्रज सुंदरी विरयथार्वक है, स्वप्रतिबिंब विभ्रम है। छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी व्रज सुंदरियों के साथ खेला की। लीला रसमय आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेम वश हैं, अतः उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। प्रिय भाई बहनों, गोपियों का प्रेम अत्युच्च पराकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें निज इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना नहीं थी। यह इस जगत की काम कीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेममय जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी लालायित थे। और कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने व्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता पता के रूप में जन्म लिया था। श्री गोपियों के इस काम शून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गत प्राण भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। मुझ जैसा विषयी मनुष्य इस पर क्या कहे सुने। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि न करे और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा न समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहें।
प्रिय भाई बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए, गदा शंख और चक्र पद्यधारी भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हुए, प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।